आप बच्चों को फ्यूचर दिखाने लाएं। यस सर, भारत का फ्यूचर सर, भारत का फ्यूचर, भारत का फ्यूचर। यार ये पब्लिक अंदर चढ़ रही है यार। अरे भाई टिकट चाहिए भाई। गवर्नर इज हियर, मिस्टर पीएम इज हियर, वाह, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 1st of April, और आपके सामने मध्य प्रदेश की पहली और इंडिया की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। दिस इज भोपाल रानी कमलापति दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, और आपके सामने इनॉग्रल जर्नी नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। शुरू करें? नहीं, देखो आपको स्टाइल पता होता है, कमॉन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, एक और कहानी, एक और जर्नी, वो भी मेरी जुबानी। पूरा व्लॉग देखिएगा। फाइनली प्लेटफॉर्म पर आए, एक कुछ कहानी है जो आपको बतानी है, पूरा व्लॉग देखिए। और वंदे भारत एक्सप्रेस देख के तो भाई साहब ऐसी बैटरी चार्ज होती है, मन करता है बैक टू बैक जर्नी। मैं था, आपको बताइए, मैं था भारत गौरव में, सीधा फ्लाई करके भोपाल, और यहाँ से आपके लिए आपका और मेरा हम सफरनामा। ऑफिशियल टाइम डिपार्चर का जो बताया गया है वो है 3 बजे या 3:30 बजे, आपको बताइए, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ CM एंड ऑल्सो द रेलवे मिनिस्टर। आज का स्पेशल ट्रेन नंबर 02071, डिस्टेंस हम कवर करेंगे कुछ 700 किलोमीटर, टाइम लगेगा लगभग 7 घंटे 7.5 घंटे, बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है तो डिपेंड करता है। पूरी मीडिया आप देखिए, आगे जो मेन C1 C2 है उसमें स्कूल के बच्चों को बैठाया गया है, बट भाई साहब मतलब कंपैरेटिवली जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी और ये इनॉग्रल जर्नी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है, व्लॉग देखिएगा। फाइनली इंडियन रेलवेज़ की थोड़ी मेहरबानी हम पर हुई है, आज मेरे को दिया है एग्जीक्यूटिव कोच, दैट इज़ E2 में 47। शुक्रिया शुक्रिया इंडियन रेलवेज, शुक्रिया, कैसे एहसान चुकाएंगे हम। बट खैर आप देखो मीडिया वगैरह, मैं आ गया था करीब 12:30 बजे, एंट्री कितने बजे मिली है, लगभग 2 बजे 2:15 बजे, तो टाइम बहुत लिमिटेड है, बट कोशिश करेंगे जितना भी आपको दिखा पाएँ। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन, तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन भी। जैसा मैंने आपको बताया मैं इतनी जल्दी आ गया था, बट यहाँ पर ये कहानी आपके सामने आनी ज़रूरी है। द मैनेजमेंट बिटवीन आप कह लीजिए MP पुलिस प्लस रेलवेज, यहाँ कुछ भी नहीं है। बोल रहे थे सूटकेस अलाउड नहीं, कैमरा अलाउड नहीं, आप ट्रेन बोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इतनी दिमाग की दही हुई है, पहली बार हुआ है, पहले भी इनॉग्रल जर्नी की, बट पता नहीं यहाँ सिस्टम कुछ और ही है। अगर पूरी कहानी अगर मैं आपको कैमरे पे बताऊँगा ना, पूछिए मत। अब बोल रहे हैं आगे जाना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, यार मीडिया पास है यार, तब भी सिक्योरिटी रीजंस, इन द प्रेजेंस ऑफ PM आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल लास्ट में हम आए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, आप देख सकते हो, ये देखो जो मीडिया पास है, ये वाला ट्रेन मेरे को दिया गया है, आपको दिखा दूँ, E2 में 47, दिस इज सवीनियर टिकट। ज़रा आप अपना पास दिखाइए, खोल के दिखाइए, ये आपको बता दूँ ये एक विजिटर हैं, ये ट्रेन बोर्ड नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घूम सकते हैं, ट्रेन देख सकते हैं। ये देखो इनको ये वाला पास दिया गया, आप मानिए इतने पास इश्यू करना, टिकट इश्यू करना रेलवेज का, ये खर्चा अलग जी, बराबर, बट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यार, 4-5 लेयर पता नहीं, चलो ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ PM, चलो ठीक है, बट देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। 3 बार लगे चेक हुआ रास्ते में, 3 बार बोलते हैं सूटकेस ये अलाउड नहीं है, आप घर जाओ। अरे यार सूटकेस के बिना हम कैसे ट्रेन में जाएंगे, हम मीडिया हैं, कैमरा अलाउड नहीं, बट ठीक है बताना चाहिए तो, बट ठीक है यार, सबसे अच्छी बात है अंदर आ गए, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, चलो आपको विजिटर पास तो मिला, चलिए पूरी ट्रेन जर्नी आपको दिखाएंगे, पूरा लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो। RPF देखो हर प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं
कितने ऑफिसर्स खड़े हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पूरा ब्लॉक्ड है फॉर द प्राइम मिनिस्टर, हमको एंट्री दी गई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। आप समझ रहे हो ना, मतलब इशारों में आप पूरा खेल समझ जाओ। यहाँ पर आपको ये भी दिखाना बनता है बिकॉज हम हैं मीडिया से, तो यहाँ पर एक ये टोकन आप कह लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री सबको दिया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस का ये कॉफ़ी का मग हो गया, ये पहले भी हमको दिया गया, अगर आपको याद हो जो मैंने पहले इनॉग्रल जर्नी करनी है। ये एक पेन हो गया, आप देख लीजिएगा वंदे भारत का, ये कैप दी गई है, ये सबको दी जा रही है जो आ रहे हैं मीडिया वाले, ये देख लीजिएगा। और इस तरफ ये कुछ अलग लगा है मेरे को, ये दिया गया है बैच जिसे आप अपनी शर्ट पर लगा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर सब पूरा एक सेट जितने भी मीडिया वाले हैं सबको दिया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच रेलवेज फॉर दिस। अगर आप इस तरफ देखोगे पूरा सन्नाटा, देखो यहाँ पर भी आप RPF देख सकते हो भाई, किसी को अलाउ नहीं कर रहे। करंटली मैं हूँ एग्जीक्यूटिव कोच में, अगर आप देखोगे आपको मिलेगा 2x2 का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर टोटल पैसेंजर कैपेसिटी हो गई 52 की। तो ये इंटीरियर देखिए, मैंने पहले वो आपको पहले ही दिखाया, चेयर कार का भी आप देख लीजिएगा, बट वही है हर वंदे भारत का बिल्कुल अपना मजा। हमारे संग एक TT सर मौजूद हैं जो आज ऑन बोर्ड हैं वंदे भारत। सबसे पहले आपका नाम और कितने साल से आप रेलवे में साथ हैं? मेरा नाम सुनील वर्गीज है, मैं मुख्य टिकट निरीक्षक हूँ यहाँ भोपाल में, और पिछले 32 साल से रेलवे में टिकट चेकिंग का जॉब कर रहा हूँ। जी सर, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की नई ट्रेन, बिकॉज आप एक एज अ TT काम कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे वंदे भारत में TT बनने के लिए कोई क्राइटेरिया या लगभग कम से कम कितना एक्सपीरियंस चाहिए सर? नहीं, इसमें देखिए बेसिक तो ये है कि जितने सीनियर लोग हैं जी, जो ऊपर वाले ग्रेड के लोग हैं 4600 और 4800 ग्रेड के, उनको लगाया गया है जी। और एक्सपीरियंस तो देखिए सब जितने लोग यहाँ पर लगे हैं सब 25 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस लोग हैं जी। और सर जैसे आज ट्रेन डिपार्ट होनी है 3:30 जी, आपको ड्यूटी कभी अलॉट की गई थी? जी जी, हमको 3-4 दिन पहले से हमारे को सब ये कोच वगैरह सब दिया गया था कि ये कोच हमको करना है जी। और सर आज आप कौन से कोच में अटेंड कर रहे हैं? मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव 1 में कर रहा हूँ, E1 में जी। और सर टोटल जैसे 16 कोचेज हैं वंदे भारत में, तो टोटल कितने TT सर हमारे संग चल रहे हैं आज? आज हमारे इसके इनॉग्रल रन पे हर कोच में 2 TT है, यानी टोटल 32 TTOs की ड्यूटी लगाई गई है। और सब सीनियर? सब सीनियर, उसमें 4 महिलाएं भी हैं, क्योंकि कुछ स्कूल की स्टूडेंट्स लेडीज वगैरह भी हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई है जी। सर वंदे भारत का ये आपका पहला इनॉग्रल जर्नी है? जी जी, पहला इनॉग्रल जी। सर यहाँ पर जो माहौल है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जी, नई ट्रेन नया भारत जी, आपको सर कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम पेपरों में पढ़ते थे कि साहब फलाने जगह पे वंदे भारत स्टार्ट हो गई, यहाँ पे स्टार्ट हो गई, हम इंतजार करते थे। तो रानी कमलापति वैसे भी हमारा एक बहुत ही हाई लेवल का स्टेशन है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होना, ऊपर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना और पहले इनॉग्रल रन पे हमारा जाना, सब बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, खासकर भोपाल के लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपने टाइम दिया सर। आप ये मारिए, मेरा दिल तो इतना खुश है, मन करता है 1 घंटे का व्लॉग बना दो, बट बाय एनी चांस अगर PMO से कोई ये व्लॉग देख रहा है, यार आगे का एक्सेस दे दो जरा लोगों को, मेरे को जानकारी तो देने दो आगे चल क्या रहा है, पूरा रेड कारपेट वगैरह वगैरह सब कुछ। आगे जोन हो गया WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, बट बता रहे हैं WR ही इसको ऑपरेट कर रहा है। अब मैं आपसे सिक्योरिटी की बात कर रहा था, आप ये देखिए पूरी ट्रेन में खाना पीना अभी कुछ भी नहीं है। अब ये बता रहे हैं आगे भोपाल से हमारा फूड वगैरह सब कुछ बोर्ड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अगेन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी हेयर। अब मैं इसमें क्या कमेंट करूँ, आप सोचो, आप बिलीव कर सकते हो पूरी वंदे भारत में एक पानी की बोतल नहीं है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जितने काउंटर हैं स्टॉल वगैरह सब बंद। तो अगर आपको प्यास लगी है तो लगी है यार, ये मतलब अब मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट लेट्स सी अगर रेलवे मिनिस्टर सर का इंटरव्यू मिलता है, लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पर हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस SPG, आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के लिए तैयार। आप कमांडोज देखिए, यहाँ का कहता हूँ माहौल ही अलग है, पूरा VIP एक्सेस। अब आपको डिग्निटरीज भी दिखाना जरूरी है, देखो आप वहाँ पर देख रहे हो स्पेशल कार एकदम रेडी SPG के कमांडोज देखिए, जितनी बात की जाए ना इनके बारे में तो इतनी कम है। आप देखिए, यस फाइनली रेलवे मिनिस्टर सर इज हियर, गवर्नर इज हियर, मिस्टर PM इज हियर, वाह
एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है. मतलब चारों, मान लीजिए चारों टॉप, भाई साहब व्हाट अ व्यू. मतलब ये नज़ारा आपको सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रल जर्नी में मिल सकता है. यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट रुक जाओ, जरा सोचने दो, शब्द सोचने दो. अभी तो पहला ही स्टेशन आया है भोपाल, मतलब प्लेटफॉर्म से तो पहले पहले ट्रेन भी जो खड़ी है लोग उसमें से फोटो खींच रहे हैं. सेलिब्रेशन देखिए, टाइम बहुत लगेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमारी वंदे भारत का यहाँ पर पूरा स्नैक्स लोड किया जाएगा. बता रहे, जो बताया गया है 2,000 से 2,500 लोग, बिकॉज कुछ लोग बीच में उतरेंगे और फिर आगे से वापस बोर्ड करेंगे. खाली स्नैक्स, हाँ अभी डिनर का वो मैं आपको आगे बताऊंगा. वंदे भारत एक्सप्रेस बीट करेगी शताब्दी एक्सप्रेस को. शताब्दी एक्सप्रेस लेती है 8-8.5 घंटे, वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पहुंचाएगी 7.5 घंटे में. अब आप बताइए आप क्या चूज़ करोगे, शताब्दी की वंदे भारत. शताब्दी जाती है NDLS, वंदे भारत जाएगी निज़ामुद्दीन NZM. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. पब्लिक में आप पागलपन देखिए यार, ये क्रेज़ क्या है, कहाँ से आता है ये क्रेज़, कहाँ से आती है ये मार्केटिंग. आप देखिए भोपाल स्टेशन, टाइम लगेगा, कोई जल्दी नहीं है, बट ऑटोमेटिक गेट्स है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा. ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ज़रा एक मिनट दीजिएगा. ये देखो, ये रहे हमारे IRCTC वाले, पूरा आप देखो. क्या हाल चाल सर जी, पूरा स्नैक्स, क्या हाल चाल सर जी, पूरा स्नैक्स हमारा यहाँ से. लोग सर करीब कितने लोगों का स्नैक्स, 2,000. ये है IRCTC, ये है # इंडियन रेलवेज. थैंक यू सर, थैंक यू. हमारी जर्नी का एक और स्टॉप कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, बिकॉज इनॉग्रल जर्नी. अब हम पहुंचे हैं विदिशा. यहाँ आप लोगों में ये पागलपन, रुक जाओ, मतलब आई एम एंजॉइंग दिस. मुझे कुछ लोगों से ढोल की आवाज़ आई. ये देखो लोग यहाँ पर बैनर्स लेकर आए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस. आपसे जानना चाहेंगे ट्रेन कैसी लगी देखने में, और आप कहाँ से हैं, स्कूल से, और सारे बच्चे भी आपके साथ आए. तो लगभग आप सुबह मतलब कितने बजे स्टेशन आए थे, 3 बजे आप आ गए थे, और करीब कितने बच्चे आए मैम स्कूल से, अंदाजा 100 से ज्यादा. आप बच्चों को फ्यूचर दिखाने लाए, भारत का फ्यूचर. थैंक यू. जितनी बात की जाए उतनी कम. स्कूल के बच्चे अलग, डिग्निटरीज अलग, थोड़ा ऑटोमेटिक डोर्स है, ढोल वगैरह सब, इवेंट वगैरह आगे चल रहा है, शायद नहीं दिखा पाऊँ, थोड़ा गेट का ध्यान रखना पड़ेगा. विदिशा, अगर यहाँ से कोई ये ब्लॉग देख रहा है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा सांची स्टूपा. ट्रेन कैसी है, मज़ा आ रहा है, पहली बार ट्रेन देखी कोई,
बस भाई डोलो अगर आगे बज रहे ये तो पूरे सफर में चलेगा। एक बार फिर से जर्नी शुरू, और जैसा मैंने आपको बताया था इस बार मैं हूँ, आप देख लीजिए मैं हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो यहाँ पर अब रेलवे की तरफ से स्नैक्स सर्व किया गया, आपको दिखा दूँ। ये हो गया गुलाब जामुन, अगर आप देखोगे ये सौंठ हो गई, दिस इज़ वेज पफ, कचौड़ी हो गई, और ये हो गई बालूशाही। प्लस आपको यहाँ पर ये भी कैश्यू नट्स भी दिए गए हैं, इस तरफ देख लीजिएगा। ये जूस हो गया, टी कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें, पानी की बॉटल आपको दी जाएगी। प्लस आपको एक ये मंच, ये भी आपको एक भेल कह लीजिए, चटपटा वो दी गई है। तो पूरा आपके लिए यहाँ पर हमारी वंदे भारत का इवनिंग स्नैक्स आप देखिए जो हमको रेलवे की तरफ से दिया गया है। और इन नज़ारों के साथ मैं तो आपसे कहता हूँ, इन नज़ारों के साथ एकदम फर्स्ट क्लास कंफर्ट के साथ जब आपको ये मिले तो इसका मज़ा ही कुछ और है। करंट वक्त कुछ इवनिंग के 5:30, वंदे भारत एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, और यहाँ पर अब वक्त है इवनिंग स्नैक्स का। मैं सोच रहा था बिकॉज हम हैं मध्य प्रदेश में भोपाल से, तो बाई एनी चांस पोहा दिया जाए, बट खैर कोई नहीं, यहाँ पर दी गई है कचौड़ी। कोचेज कॉस्टिंग का मैं आपको बता दूँ, एग्जीक्यूटिव क्लास का है कॉस्ट भोपाल टू दिल्ली अराउंड 3,100, चेयर कार की कॉस्टिंग है कुछ 1,700-1,800। बट अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी को कंपेयर करोगे तो फेयर में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक साइड में एक ये डेरी मिल्क भी दी गई है, पर भाई साहब यार लोग ट्रैक पर खड़े हैं यार। गुलाब जामुन तो टेस्ट करने का बनता है, नई वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब स्टेशन आएंगे, लेट्स सी, कुछ स्किप भी करेंगे, आप भी समझ सकते हैं कितना आपको दिखाएं, ठीक है। अब देखते हैं मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। ये आप नज़ारे देखिए, हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी दिल्ली। ये है एक सफ़रनामा, और ये है इसलिए कहता हूँ आप ट्रैवल करते रहिए। ये हो गया बीना स्टेशन, एक और हॉल्ट आप कह लीजिए, बीना इटावा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का बता दूं, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, पॉपुलेशन वाइज फिफ्थ लार्जेस्ट। और यहाँ पर बीना में आपको मिलेगा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वीट, जिसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यार ये पब्लिक अंदर चढ़ रही है यार, अरे भाई टिकट चाहिए भाई, ये लोग अंदर ही जा रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना, रुक जाओ, पहले आपको मेरे को जश्न दिखाने दो। ये वंदे भारत, वहाँ सनसेट होता हुआ, और यहाँ वंदे भारत, एक नया भारत आपके सामने। बीना के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जश्न चलता हुआ, भाई कौन कौन चल रहा है, अरे टिकट चाहिए। अरे सर कितने लोग चढ़ेंगे? कौन कौन चढ़ रहा है सर, देख लेना कौन कौन चढ़ रहा है, भाई अलग ही है। आप ट्रेन देखने आए हो ना, सब अंदर ही घुस गए लगभग। 10-15 मिनट 20 मिनट ट्रेन रुकेगी, देखते हैं। अरे सर जी क्या पागलपन है सर जी, बहुत ज्यादा पागलपन है, बहुत ज्यादा, बहुत लोग चल रहे हैं क्या, ये तो ऐसा लग रहा है दिवाली वगैरह कुछ बन रहा है। ये स्पेशली बीना वालों के लिए, लगभग 20 से 25 मिनट हमारी ट्रेन को यहाँ पर हो चुके हैं, बट यहाँ पर जो क्राउड है, जो सपोर्ट है, वो ट्रेन को निकलने ही नहीं दे रहा। अगर आप देखोगे, आपको दिखाऊं तो देखो, अभी भी हमारा रेड सिग्नल ही है, अभी भी रेड सिग्नल दे रखा है, बिकॉज पब्लिक अंदर ट्रेन में आ गई है। ये देखो लोग नहीं हट रहे। अगर आप ये ब्लॉग बीना से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। स्कूल बच्चे भी यहाँ पर हैं, ये जश्न, ये उत्साह वाकई में इसके लिए शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच मध्य प्रदेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस, दिस इज क्रेजी यार। करंट वक्त अराउंड 7:00, और अब वंदे भारत एक्सप्रेस में सर्व की गई एकदम कड़क कॉफी। बट फिलहाल मैं बैठा हूँ बहुत सपोर्टिव लोगों के साथ, आपको बता दूँ हमारे संग
राजेश राणा सर हैं जीएम आईआरसीटीसी और हमारे संग रवि सर हैं डायरेक्टर फॉर केटरिंग, राइट सर। और आपको बता दूँ रवि सर पहले महाराजा एक्सप्रेस हैंडल किया करते थे, तो मेरी इनसे पहले काफ़ी बातचीत हुई है। हाउ इज़ द कॉफ़ी सर? You should give a feedback. Feedback is always positive, sir. But इनके संग बैठ के कॉफ़ी पीना, all I can tell you is it's my pleasure. Sir, आज की कॉफ़ी का, राजेश सर, आज की कॉफ़ी का टेस्ट ही कुछ और आ रहा है। Thank you so much, sir. Thank you so much. He won't speak much on camera, I know, but still. ठीक है, अब स्टेशन पे स्टेशन हम स्किप करते जाएंगे। वंदे भारत अब धीरे धीरे पकड़ेगी रफ्तार, ठीक है। अब आपसे देखेंगे आगे कहाँ मिलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, बाहर के नज़ारे और कड़क कॉफ़ी, आपको और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का स्टेशन हो गया झांसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। आपके लिए एक छोटा सा पहले होमवर्क, यहाँ पर मेरे हिसाब से 5 राजधानी रुकती है। कौन कौन सी राजधानी जरा कमेंट करके बताइएगा। 400 लोग उतरेंगे, 600 लोग चढ़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। आगे सेलिब्रेशन चलता हुआ, मतलब अलग ही पागलपन है। झांसी तो मैं पहले भी कई बार आया हूँ, और इंडिया की जो सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी वो चली थी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड झांसी। टाइम हुआ है 8:30। अब ये पत समझ नहीं आ रहा, हम दिल्ली, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कितने बजे पहुँचेगी, यही समझ नहीं आ रहा। पीछे ढोल नगाड़े, आगे सेलिब्रेशन, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ चलता हुआ। कमर्शियल जर्नी तो खैर आप करोगे ही करोगे, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा ज़रूर, बट इनॉग्रल जर्नी में आपको ना एक अलग ही भारत देखने को मिलता है। मतलब ट्रेन तो चलो ठीक है, बट जिस तरह का प्रमोशन, आप सोचिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे इवेंट चल रहा है, वहाँ के MLA MP जो भी है वो आए हुए हैं, मतलब अलग अलग ही है। अब यहाँ पर भी मान लीजिए लगभग 10-15 मिनट का हॉल्ट मिलेगा, काश दिखा पाते आपको। लोको राइड में कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी, बट हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और रात में देखिए झांसी रेलवे स्टेशन का मज़ा ही अलग है। ये है रेलवेज, मतलब जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम। सफ़रनामा चल रहा है, और ग्वालियर स्किप करने के बाद आपको बता दूँ अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्रेश डिनर सर्व किया गया है। आप और ध्यान रखिए, ये जो डिनर आप देख रहे हो इसको बोर्ड किया गया है ग्वालियर से। अब आपके लिए पहले बनता है पूरा एक फूड नामा। यहाँ पर आपको मिलेगी ये दाल दी गई है, सबसे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर ये पनीर की सब्ज़ी हो गई, ये हो गई एक सूखी सब्ज़ी। यहाँ पर आपको रसगुल्ला मिलेगा, प्लस ये राइस। यहाँ पर आप देखोगे पराठे हो गए, प्लस आपको ये फ्रूट योगर्ट भी दिया गया है। प्लीज़ ध्यान रखिए, आज बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वेज मिलेगा, बट जब आप कमर्शियल जर्नी करेंगे तो आपको नॉन वेज भी यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। हमारी वंदे भारत की रफ्तार पकड़ी जा रही है, बट लगभग 10 बजे के आसपास डिनर लग रहा है, भूख लगी है। पहले डिनर करेंगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। बट आप देखिए एक और वंदे भारत का डिनर। आज तो ये मानिए ट्रेन लगभग हर स्टेशन पर रुक रही है, बट जब आप कमर्शियल जर्नी करेंगे इसके 3 ही ऑफिशियल हॉल्ट हैं, आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया और झांसी। सिर्फ 3 जगह रुकेगी। ग्वालियर से डिनर बोर्ड किया गया है लगभग कितने पैसेंजर्स का, 1200 पैसेंजर्स का। सोचिए अब वक्त है डिनर करने का, एंड दिस इज़ माई फेवरेट। और जब आपको पनीर की सब्ज़ी मिल जाए आपको और क्या चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको मैं 160 की स्पीड ऑन कैमरा दिखा पाऊँ, बट लेट्स सी, बिकॉज इनॉग्रल चल रही है, चांसेस कम है, बट कोशिश पूरी करेंगे अगर आपको वो भी दिखा पाए। ग्वालियर से दिल्ली का डिस्टेंस, मतलब टाइम मान लीजिए लगभग 4 घंटे और। अब देखते हैं रात को वंदे भारत कब पहुँचेगी। बट एग्जीक्यूटिव का डिनर, क्या बात है। रात को 12:45 बजे आगरा कैंट पर आपका स्वागत।
स्टेशन कोड हो गया AGC। सरप्राइजिंगली वंदे भारत को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया। उस तरफ आई है तमिलनाडु एक्सप्रेस, उसका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। मैं 160 की स्पीड का खुद वेट कर रहा हूँ, अगर वो एक्शन होगा तो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट और ताजमहल, जहाँ पर 8 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं। रात को 12 बजे आप सोचिए यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब जितनी बात की जाए उतनी कम। मैं तो डिनर करके ये मानिए सो गया था बिल्कुल, बस दुआ कर रहा हूँ कि वंदे भारत दिल्ली जल्द से जल्द पहुँच जाए। बस यार ऑफिशियल टाइम आगरा का बताया गया था आज का इनॉग्रल जर्नी का 9:30 बजे के आसपास, हम आए हैं 11:45 PM। ज़्यादातर पैसेंजर्स यहाँ पर अब डीबोर्ड कर रहे हैं, यहाँ से अब फिर जाएगी और फिर दिल्ली तक कुछ स्टेशंस हैं, वहाँ पर भी ट्रेन रुकेगी, वहाँ पर भी स्वागत होगा, वहाँ भी वेलकम होगा। और आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े जब भी आप आ रहे हैं भूलिएगा मत। करंटली मैं हूँ चेयर कार में, आप देखिए वी आर क्लॉकिंग 160 किलोमीटर्स पर आवर। वेलकम टू द फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। येस फाइनली वी आर इन आगरा दिल्ली सेक्शन, और आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज वंदे भारत क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स पर आवर। फिलहाल मैं आया हूँ, आप देख लीजिए चेयर कार कोच में, दिस इज C8। और अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार, क्या वंदे भारत भोपाल शताब्दी या गतिमान को बीट कर सकती है आने वाले टाइम में, सबसे बड़ा सवाल ये है। वंदे भारत का सीधा कंपटीशन अब होगा गतिमान से प्लस भोपाल शताब्दी से। कम ऑन, वंस अगेन इफ़ वी गेट टू सी द स्पीड, एक बार और मैं आपको स्पीड दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, येस दिस इज 158 किलोमीटर्स पर आवर राइट। येस येस, फाइनली आई गेट टू सी दिस। ये वाला एक्सपीरियंस इस वंदे भारत में मिस मत कीजिएगा, 160 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर आप खड़े होके वंदे भारत की रफ्तार देखिए। मैं तो कोशिश कर रहा था अगर केबिन से आपको राइड दिखा पाऊँ, केबिन राइड व्हेन द ट्रेन इज क्लॉकिंग 160 किलोमीटर्स पर आवर, बट स्ट्रिक्टली इट नॉट अलाउड। आपको टाइमिंग्स और बता दूँ, रानी कमलापति से ही चलेगी सुबह 5 बजे, आप दिल्ली निज़ामुद्दीन पहुँच जाएंगे दोपहर को 1:30 बजे के आसपास, वहाँ से चलेगी 2:45 को और आप वापस भोपाल रानी कमलापति पहुँच जाएंगे रात को 10:30 के आसपास। इट रन्स एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, प्लीज ध्यान रखिएगा। देखो ट्रेन को वापस रोक दिया गया है, देखो बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है ना, देखो आराम से बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है तो अलग अलग स्टेशन पर रुकना है, तो बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। बट क्या एक्शन देखने को मिला है यार। रात के बज रहे हैं 3:15 और फाइनली हम पहुंचे हैं निज़ामुद्दीन NZM। आपको बता दूँ बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है तो ट्रेन फिलहाल जा रही है न्यू दिल्ली तक, वहाँ तक मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं उतर गया हूँ। एक और जर्नी करके आ गया मज़ा, लगभग 700 किलोमीटर्स। सोचिए रात को 3 बजे स्टेशन पे वेलकम हुआ है, ढोल नगाड़े सब कुछ यहाँ पर बज रहे हैं। बट ये वाली आपसे कहूँगा वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी हमेशा हमेशा याद रहेगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल द BTS, और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। रानी कमलापति से हज़रत निज़ामुद्दीन का सफ़र याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते ही। लगता है ट्रेन यहाँ पर लगभग 1/2 घंटे और रुकेगी बिकॉज यहाँ पर सब सेलिब्रेशन वगैरह सब यहाँ पर चल रहा है। और देखो रात को 3:15 बजे हल्का सा मौसम यहाँ पर ठंडा, एक बार फिर से आ गए देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है। टाटा, टेक केयर।